एक मिनट जिज्ञासु जी, एक मिनट में आ रही हूँ आपके पास। मिश्री लाल यादव विधानसभा नहीं पहुंचे, बीजेपी के विधायक नहीं पहुंचे, मिश्री लाल यादव विधानसभा नहीं पहुंचे। और देखिए यही एक डर है क्रॉस वोटिंग का, इसीलिए इस बात की सुगबुगाहट भी सामने आई। पंकज झा हमारे साथ है, मिश्री लाल यादव पंकज विधानसभा नहीं पहुंचे, एक और विधायक नहीं पहुंचा, बीजेपी के विधायक नहीं पहुंचे। जी हाँ बिल्कुल, अभी तक जो बीजेपी के कैंप के बारे में कहा जा रहा था कि बिल्कुल इंटैक्ट है, उनके जो विधायक हैं 78 के 78 सभी पहुंचे हैं। लेकिन अब जा करके जब विधानसभा के अंदर अभी अवध बिहारी चौधरी जब बैठे थे, उसके बाद ये खबर आई है कि मिश्री लाल यादव जो है बीजेपी के विधायक, वो अब तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे हैं। उनसे संपर्क, क्या वजह बताई जा रही है और संकट, क्या वजह बताई जा रही है क्यों नहीं पहुंचे? देखिए अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। जो बीजेपी के लोग देख रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, फ्लोर मैनेजमेंट, इसीलिए अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई कि आखिर मिश्री लाल। ठीक है, प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, क्या लगता है आपको, 2 vs 1 का गेम इस वक्त हमें नजर आ रहा है, उधर से 2 गायब, इधर से 1 गायब, लेकिन फिर भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है, इधर खेमे में एनडीए के 128 थे, अगर 2-3 कम हो जाते हैं तो भी विश्वास मत हासिल करने में नीतीश कुमार को कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं? देखिए, नीतीश जी ने समाजवाद की एक नई परिभाषा गढ़ दी है, और वो परिभाषा है सुविधावाद का, अवसरवाद का और सत्तावाद का। नीतीश जी बिहार के एक गंभीर राजनेता माने जाते थे, लेकिन जो उन्होंने पिछले 2 दशकों में कमाया था, धीरे धीरे करके पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने गवा दिया। तो ये एक विधायक भाजपा के न आ रहे हो या जदयू के नहीं आ रहे हो, ये बात नहीं है, उससे ऊपर नीतीश जी ने अपनी छवि को बहुत नुकसान किया है जी। और जहां तक विश्वास मत की बात है, तो ये देखिए कि महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं वो सब एकजुट जी। और जी रंजीत जी, इंडिया गठबंधन में अगर डेंट हुआ है नीतीश कुमार की वजह से, तो अब नीतीश कुमार गंभीर नेता नहीं है आपकी नजर में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी छवि बेहद खराब की है, क्योंकि उन्होंने समाजवादी नेता होने का जो वो दंभ भरते थे, उन्होंने बता दिया कि उनके लिए समाजवाद का मतलब है सुविधावाद, समाजवाद का मतलब है अवसरवाद। जी जवाब देना चाहेंगे आप? तो इससे उनकी जो वास्तविक तस्वीर है वो लोगों के सामने आई। अरे तो ये आंखें इतनी देर से क्यों खुली अवधेश जी? नीतीश कुमार ने क्या कोई पहली बार पलटी मारी? देखिए, नीतीश कुमार पलटते तभी है जब वहां की दोनों प्रमुख पार्टियां भी पलटने को तैयार रहती है। तो अगर सत्तावाद अवसरवाद नीतीश कुमार का है, तो आरजेडी बीजेपी का बिहार में क्या है? अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये किस, आरजेडी भी बाएं फैला के तैयार रहती है, बीजेपी भी बाएं फैला कर तैयार रहती है। नीतीश कुमार ठीक कहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि को बिल्कुल बना दिया है कि अवसरवाद सत्तावाद ही उनके लिए विचार है। हाँ। लेकिन बाकी पूरे बिहार की राजनीति को तो इस समय इसी तो में तो माना जाएगा। जी पता था ना अवधेश जी, जैसा कह रहे हैं, ये तो पता था कि नीतीश कुमार अगर मौका परस्त दिखाते हैं, बीजेपी छोड़ के आए तब ये भाषा नहीं थी कांग्रेस की और आरजेडी की, तब तो आप उनका स्वागत करने को तैयार थे, जबकि आरजेडी दो दो बार उनके साथ रहा। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जल्दी से, खबरें बहुत ज्यादा आ रही है एक एक करके। मिश्री लाल रश्मि वर्मा विधानसभा नहीं आए हैं, देखिए एक और बड़ी खबर, विधानसभा नहीं पहुंचे हैं विधायक। भागीरथी देवी भी विधानसभा नहीं पहुंची हैं, जबकि व्हिप जारी किया गया था पार्टियों की तरफ से, 3 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे बीजेपी के। धनंजय जी, बीजेपी के 3 विधायक नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? जो 3 विधायक नहीं पहुंचे वो पहुंच रहे हैं और बिल्कुल पहुंच जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है हमारे प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन मामला देखिए बहुत गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, 3 vs 2 का मामला हो गया है। रूपेश, क्या खबर है, 3 विधायक बीजेपी के नहीं पहुंचे, क्यों? देखिए, 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का ये दावा है कि हमारे कई विधायक हैं जो सदन के अंदर नहीं बैठे हैं। हाँ। लेकिन वो बिहार विधानसभा में मौजूद हैं, वो कई विधायक का दावा कर रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर इस वक्त जो भाजपा खेमे में जो 3 विधायक उनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं, उनमें रश्मि वर्मा शामिल है, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव, ये 3 विधायक हैं जो अब तक सदन के अंदर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका दावा है कि हमारे सारे विधायक बिहार विधानसभा के परिसर में पहुंचे हुए हैं, लेकिन कुछ कारणों से कुछ एक विधायक सदन के अंदर नहीं है। मैं एक सीक्वेंस आपसे समझना चाहूंगी, दावा है कि चेतन आनंद और नीलम देवी जी। रुपेश, मैं आपसे एक सीक्वेंस समझना चाहूंगी, क्योंकि 11:30 बजे का इंतजार हो रहा है, सेंट्रल हॉल जो होगा, जहां पर विधानमंडल के विधानसभा के सदस्य होंगे, और फिर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा, फिर क्या होगा, क्या स्पीकर खुद इस्तीफा देंगे? क्या ऐसा लग रहा है अवध बिहारी चौधरी पहले इस्तीफा देंगे और फिर उसके बाद वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि बहुमत परीक्षण का, फ्लोर टेस्ट का टाइम आ गया? ये थोड़ा सीक्वेंस समझाइए।
देखिए बिल्कुल इसके पहले यह परिपाटी रही है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार नहीं बने या फिर सत्ता परिवर्तन नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ, ऐसे में भी इस्तीफा होता है, सरकार बदलते हैं इस्तीफा होता रहा है। लेकिन पिछली बार विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा उस वक्त तक नहीं दिया था जिस दिन से सत्र नहीं शुरू हुआ। सत्र शुरू होने के बाद उन्होंने आसन पे वो गए थे और आसन पर जाकर उन्होंने एक अध्यक्षीय संबोधन किया था और उसी में अपने इस्तीफे की उन्होंने घोषणा की थी कि अब मैं यहाँ से, ये परिपाटी पिछले बार शुरू हुई, वरना सरकार बदलने के साथ ही स्पीकर भी बदल जाते रहे हैं, वो इस्तीफा देते रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार उन्होंने ये परिपाटी शुरू की।